हेलो एवरीवन, आज हम मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का टॉपिक लेते हैं जो कि आने वाली पीटीटी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, रेलवे, पुलिस, एसएससी, इसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पहले टॉपिक लेते हैं श्रृंखला परीक्षण, ठीक है, चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन, इस सीरीज को या श्रृंखला को पूरा करना होता है, ठीक है। पहले तो मैं बताऊंगी चीज सीरीज होती क्या है, श्रृंखला क्या होती है। श्रृंखला क्या होती है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद से किसी न किसी रूप में किसी नियम के अनुसार संबंधित हो, ठीक है। एवरी टर्म इज रिलेटेड इन अकॉर्डिंग टू ए रूल विद हिज लास्ट टर्म, अपनी लास्ट टर्म से कोई ना कोई रिलेशन उस टर्म का होता है, ठीक है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जैसे श्रृंखला को पूरा करना, सीरीज को पूरा करना, ठीक है, श्रृंखला को पूर्ण करना। एक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गलत या भिन्न, जो अलग पद छांटना, ठीक है। हमें श्रृंखला को पूर्ण करना, एक सीरीज या श्रृंखला दे दी जाएगी, फिर उसमें पूछा जाएगा अगर इसमें अगला पद क्या होगा, या कोई विशेष पद पूछना चाहता है उसकी जगह प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ जाएगा। इसमें गलत या भिन्न पद छांटना, इसमें क्या होगा, कुछ एक श्रृंखला दी जाएगी, इसमें चार या पांच टर्म्स होंगे, पद होंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पद गलत है या अन्य से भिन्न है। इस तरह से हमसे सवाल पूछे जाएंगे। पहले हम पढ़ना सीखते हैं श्रृंखला को पूर्ण करना। देखो पहले हम सीखते हैं कि श्रृंखला को पूर्ण करना यानी कि श्रृंखला दी जाएगी उसको हमें पूर्ण करना सीखना है, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं श्रृंखला को पूर्ण करना, इसमें भी हम नियमों से पढ़ते हैं। जैसे एक तो होता है गणितीय नियम, एक तो गणितीय नियम के अनुसार, एक होता है पदों के अंतर के नियम के अनुसार, कुछ होते हैं अंग्रेजी के वर्ड्स या लेटर्स भी दे दिए जाते हैं, इंग्लिश के लेटर्स दिए जाते हैं, उसमें से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, एक प्रश्न के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा कि 5, 7, 11, 13 अगला पद, तो पहले तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और फिर बताएं इसका क्या उत्तर होगा। अब देखो 5, 7, 11, 13 इसमें हमें दिख रहा है कि पहला पद 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। हमने देखा कि देखते हैं हमें पता लग गया ये तो गणित की अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन, 5, 7, 11, 13, व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या आएगा इसमें, तो 13 के बाद क्या होता है 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 17 उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद है पदों के अंतर का नियम, यानी कि टर्म्स में जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पदों के अंतर का नियम। देखो पहला पद दिया है 5, 5 के बाद दूसरा पद दिया 10, फिर 16, फिर 23, फिर 31 प्रश्न चिन्ह, यानी कि 31 के बाद क्या आएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें तुरंत इनके पदों में कितने का अंतर है वो देख लेना चाहिए। देखो हमने देखा कि 10 5 से किस प्रकार संबंधित है, 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10 आता है, व्हेन वी ऐड 5 इन 5 वी गेट 10, 10 में 6 जोड़ते हैं तो 16 आता है, 10 + 6 = 16, 16 में 7 ऐड करते हैं, 7 जोड़ते हैं तो 23 आता है, 23 में
8 जोड़ते हैं प्लस 8 देन वी गेट 31, तब हमें 31 मिलता है। अब बताओ 31 में क्या जोड़े, 10 जोड़ू या 12 जोड़ू, कितना जोड़ना है? क्रम देखो 5, 6, 7, 8। अब की बार हमें कितना जोड़ना है? 9 जोड़ना है। तो यानी कि 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 40। तो कहने का मतलब प्रश्न किन प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? 40। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 40। तो विकल्प में जहां भी 40 दिया गया हो उसको हमें टिक करना है। इसके बाद एक सवाल आप एक बार खुद करें, 10, 12, 15, 27 प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, 51। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा टर्म, कौन सी पद आएगी, ये आप स्वयं करें। देखो इसको कैसे हल करेंगे, 10, 10 में कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है प्लस 2। 12, 12 में क्या जोड़ा गया है कि 15 है? 3 जोड़ा गया है। 15 में क्या जोड़ा गया है कि 20 आए? 5 जोड़ा गया है। 20 में क्या जोड़ा गया है कि 27 आए? 7 जोड़ा गया है। तो एक सीरीज देख रहे हो, प्लस में हमने क्या देखा आगे, 10 में 2 जुड़ गए, 12 में 3 जुड़ गए, 15 में 5 जुड़ गए, 20 में 7 जुड़ गए। तो हमने देखा कि ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। देखो 2, 3, 5, 7, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7? 7 के बाद अगला अभाज्य अंक कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सी है? 9। हम जानते हैं 9, तो यानी कि 27 में, सॉरी 9 नहीं 11 अभाज्य, 9 तो 3 से भाग होता है यानी कि 9 नहीं है। 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 11, 11, तो यानी कि 27 में 11 जोड़ा जाए तो हम प्राप्त करेंगे 38, 38, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 38, 38 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इस सवाल को दोबारा कीजिए अपने आप। इस सवाल में देखिए 5, 6, 10, 19, 35 आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखते हैं इसमें क्या संबंध बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है। 5 में 1 जोड़ा 6, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में कितने जोड़ते हैं? 10 आए, यानी कि प्लस 4, 4 जोड़ा गया है। फिर 10 के बाद 19 लिखा है, यानी कि 9 जोड़ा गया है। 19 के बाद 35 लिखा है, इसका मतलब क्या जोड़ा गया है? 16। अब आगे इसमें क्या ऐड करें, 35 में क्या ऐड करें इस सीरीज के अकॉर्डिंग? देखो 1, 4, 9, 16, 1, 1, 1 का स्क्वायर होता है, 1, 1 का वर्ग होता है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 5 का स्क्वायर, दैट मींस 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी कि इसमें हम 25 जोड़ेंगे तो अगली संख्या अगला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें 25 जोड़ो 35, 35 प्लस 25, 60, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा? 60 आंसर। आशा है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला परीक्षण, यानी कि अल्फाबेट, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं, उनसे भी जो सीरीज बन रही है उसमें नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, या यूं कहें कि मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, या यूं कहें कि जो टर्म्स अदर से डिफरेंट हो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो, अब लिख दिया सी ई एच एल क्यू, व्हाट इज नेक्स्ट? तो इसके लिए एक तो हमें, अब या तो देखो हम बच्चों छोटे बच्चों की तरह ए बी सी डी लिख के बैठे, फिर देखें कि ए कौन से नंबर पे आ रहा है, बी कौन से नंबर पे आ रहा है, सी कौन से नंबर पे आ रहा है, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। एक एक क्वेश्चन के लिए हम ऐसा करें तो इसमें ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इसके लिए हम ये क्या लर्न याद करेंगे कि अल्फाबेट्स में कितने नंबर्स पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये करता हूं, उसके बाद मैं उसको याद करने की ट्रिक आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देखो, सी आता है 3rd नंबर पे, ई आता है 5th नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, के एल आता है 12 नंबर पे, क्यू आता है 17 पे, और हमें ये पूछा है। अब देखो 3 में ऐड किया है
टू, यानी कि प्लस टू, थ्री में ऐड किया टू तो आ गया फाइव, फाइव में ऐड किया थ्री तो आ गया एट, एट में ऐड किया फोर तो आ गया ट्वेल्व, ट्वेल्व में ऐड किया फाइव तो आ गया सेवनटीन, अब सेवनटीन में ऐड करेंगे सिक्स तो क्या आएगा ट्वेंटी थ्री, यानी कि ट्वेंटी थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर होता है, ट्वेंटी थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर होता है, तेईसवें नंबर पे होता है डब्लू, ट्वेंटी थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर होता है डब्लू, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ डब्लू, डब्लू कौन से नंबर पे होता है तेईसवें नंबर पे। अब इससे संबंधित हम अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने देखा कि कौन से अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, अगर हम ये लिख के करने यानी कि पेपर पे लिखे ए बी सी डी एफ जी फिर गिने कि फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है टेंथ नंबर, नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें इनको लर्न करना है याद करना है। मैं याद करने का तरीका आपको सिखाता हूँ, देखो सभी को पता है ए, ए फर्स्ट नंबर एक नंबर पे आता है याद रहता है सभी को पता है, ए बी पहले चार तो सभी सभी को याद रहते हैं, पहले चार तो सभी को याद रहते हैं ए बी सी डी, स्कूल में टीचर ही शुरू से कहते थे ए बी सी डी सुनाओ, तो ए बी सी डी तो सबको याद रहते हैं ए बी सी डी चार नंबर। इसके बाद हमें क्या करना है एक वर्ड याद रखना है माइंड में हमेशा ई जोटी, ई जोटी एक ये वर्ड अगर कोड वर्ड याद कर लिया तो कई लेटर हमें याद हो जाएंगे, ई जोटी वर्ड याद कर लो, ई में ई पांच, पांच की टेबल पढ़नी है पांच का पहाड़ा, दस ओ पंद्रह पे, टी ट्वेंटी पे और वाई 25 पे 25वें नंबर पे, यानी कि ई आता है फिफ्थ नंबर पे पांचवें नंबर पे, इजोटी वर्ड याद हो गया तो 5 10 15 20 25 ठीक है। और इसके बाद एक एफ आपको याद करना पड़ेगा, एफ जैसे माइंड में रखो हमेशा एफ 6 नंबर पे आता है, अब ई एफ एफ के बाद क्या था जी, तो देखो जी को इस तरह से ही बनाना सीख लो ताकि हमें उसका लेटर याद हो जाए कि 7 नंबर पे आता है, जी को इस तरह से बनाओ देखो जी और नीचे लिखो 7 तो ताकि हमें याद रहे कि जी कौन से नंबर पे आता है 7 नंबर पे, ये ट्रिक है इससे हम सवाल जल्दी कर सकते हैं, जी कौन से नंबर पे आता है 7 नंबर। ये जी के बाद क्या आता है एच, एच को इस तरह से बनाओ देखो एच की जो संरचना है जो एच बनता है 8 के जैसे होता है ना, यानी ऊपर यहाँ कैसे तो क्या बन जाएगा 8, तो इसमें भी हमें पता है एच कौन से नंबर पे होगा 8, और हम जानते हैं कि आई तो ऐसे लिखते ही है 9 की तरह, आई ऐसे लिखते हैं तो आई कितने नंबर पे हो गया 9 नंबर पे। इजोटी में ये हम याद कर ही चुके कि जे 10 नंबर पे आएगा, फिर एक मारवाड़ी में बच्चे आपस में पूछते रहते हैं अंग्रेजी को 11वां अक्षर के है, अंग्रेजी को 11वां अक्षर के है, तो ये तो ऐसे ही हमें याद रहता है के 11 नंबर पे आता है, बच्चे आपस में पूछते हैं बताओ अंग्रेजी को 11वां अक्षर के है, तो के ही होता है 11वां अक्षर ठीक है। के बाद एक एल हमें याद रखना है, एक तो ये और एक एल, एल आता है 12 नंबर पे। फिर देखो M और W एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, M ऐसे लिखा जाता है W ऐसे लिखा जाता है, तो M और W याद रखने के लिए हम क्या करेंगे 13 23 13 23, M और W याद रखने के लिए हम क्या करेंगे 13 23। फिर एक N भी हमें याद रखना थोड़ा N, कि N 14 नंबर पे आता है, एक F एक L एक N, N 14 नंबर पे आता है, ये तीन हमें याद रखने। O हमें पता चल ही चुका O कितने नंबर पे आता है, इजोटी वर्ड से हमें पता है 15 नंबर पे आता है। फिर पी 16 नंबर ये याद रखना है, पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे। क्यू, अब क्यू, क्यू को बनाओ ही ऐसे इस तरह से बनाना कि याद डालो क्यू एक और फिर 7, यानी कि क्यू के अंदर एक भी है और 7 भी है यानी कि 17, तो क्यू कितने नंबर पे हमेशा मुझे तो देखते याद आ जाता है क्यू ऐसे बनता है यानी कि क्यू कितने नंबर पे है 17 नंबर पे। आर को भी, आर की संरचना आर भी 18 से मिलता जुलता है, एक और 8 जैसी कंस्ट्रक्शन आती है, एक ऐसे लिखते हैं 8 ऐसे लिखते हैं, तो आर भी याद रहता है कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आर 18 नंबर पे, आर कितने नंबर पे 18 नंबर पे। एस 19 नंबर पे, एक ये याद रखना है एस कितने नंबर पे है 19, और टी 20 आजकल क्रिकेट में खूब चल रहा है टी 20, तो टी हमेशा याद रहता है कि टी 20 नंबर पे। फिर एक देखो टी हो गया 20 नंबर पे, फिर एक यू एक वी, यू मतलब तुम वी मतलब हम, तो यू 21 वी 22 यानी कि आप 21 हो हम 22 हैं, यू 21 ये याद रखने का तरीका है, यू 21 वी 22 आप 21 हो हम 22 हैं ठीक है, याद रखने का तरीका यू 21 वी 22। डब्लू हम याद कर ही चुके, एम, एम और डब्लू एक दूसरे के उल्टे 13 23। एक्स,
लास्ट के तीन भी भाई सभी को याद रहते हैं, कोई विशेष बात नहीं। एक्स वाई जेड सबको पता है, लास्ट में आते हैं एक्स वाई, ऐसे यहाँ आ चुका है, और जेड भी सबको पता है 26वें नंबर पे है, वाई हम याद कर चुके हैं 25, और एक्स 24वें नंबर पे। तो इसको एक बार आप दोबारा ट्रिक करो, दो चार बार करो, कोई वैसे इसको इजी वे में आप याद करोगे। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश के लेटर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आएंगे कि किसी वर्ड में टाइगर को CQRS लिखा जाता है, या कोडिंग डिकोडिंग के खूब क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये काम आएंगे। इससे क्या आपको देखते ही प्रश्न का पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा लेटर किस नंबर पे, फिर आप उसको कर पाओगे। अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखो, मैंने उसको देखते ही तभी तो कर पाया कि सी कौन से नंबर पे है, डी कौन से नंबर पे है, इस तरह से।